वेलकम बैक टू माई व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं बहुत बढ़िया ना हूँ, क्या आप भी बहुत बढ़िया होंगे? मेरा नाम है मानशु उपाध्याय, यू गाइस आर वॉचिंग यंग लिफ्टर। सो गाइस, आज का व्लॉग जस्ट कुछ अपडेट देने के लिए है, जस्ट कुछ बताने के लिए है। ऐसा कोई व्लॉग नहीं होने वाला कि हाँ फुल डे मैं अपना कुछ दिखाने वाला हूँ आज, बस ऐसा अपडेट आज का व्लॉग है। सो अपडेट बेसिकली ये है गाइस, नो मोर 75 हार्ड व्लॉग्स। अब मैं 75 हार्ड व्लॉग्स नहीं डालूंगा। क्यों नहीं डालूंगा? क्योंकि गाइस उस पर कुछ इंप्रेशन भी कुछ खास नहीं आ रहा आप लोग का, ठीक है, और ऑडियंस रिटेंशन भी उस पर कुछ ज़्यादा नहीं है। वो थोड़ा सा ऑडियंस के लिए बोरिंग सा हो रहा है जितना मुझे दिख रहा है, ठीक है। अब अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, और मैंने कुछ लोगों का भी पॉइंट ऑफ व्यू लिया, अपने घर वालों का भी पॉइंट ऑफ व्यू लिया, पर घर वालों को तो अच्छा ही लगेगा, ठीक है। घर वालों को तो बोरिंग तो लगेगा, घर वालों को तो अच्छा ही लगेगा, बट बाहर के कुछ लोगों से मैंने पॉइंट ऑफ व्यू लिया। अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी था मेरा, मैं किसी के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से नहीं चलता। सो मेरे को भी थोड़ा बहुत लगा कि हाँ थोड़ा बहुत सा है, थोड़ा बोरिंग सा हो रहा है, ठीक है। तो मैंने सोचा कि जब लेते हैं पॉइंट ऑफ व्यू, लेते हैं लोगों का कि लोग क्या कहते हैं। सो गाइस मेरे को ये चीज़ निकलते हुए बाहर आई कि हाँ थोड़ा सा बोरिंग हो रहा है 75 हार्ड व्लॉग जो हो रहा है, क्योंकि व्लॉग में पूरे दिन से रात में हर दिन वही चीज़ कर रहा हूँ जो लोगों को देखने में मज़ा सा नहीं आ रहा, क्योंकि रोज़ सेम चीज़ हो जा रही है, से डाइट वर्कआउट, और लोग इतने आज के दिन में डेडिकेटेड हैं ही नहीं कि वो पूरी चीज़ें देखें मेरी इतनी कि हाँ वर्कआउट कैसा कर रहा भाई या डाइट कितनी अच्छी ले रहा भाई। ये चीज़ें लोग नहीं देखते, लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए जो कि सच्चाई है, ठीक है। सबको एंटरटेनमेंट चाहिए, सच्चाई है, थोड़ा बहुत मस्ती हो, मजाक हो, कुछ क्वालिटी चीज़ हो, कुछ कंटेंट हो, तो ये लोगों को चाहिए जो कि सच्चाई है, और ये सबको चाहिए, मुझे भी चाहिए, सबको चाहिए ये चीज़। सो गाइस अभी क्या करते हैं, 75 हार्ड व्लॉग बंद करने का रीज़न यही है कि ऑडियंस रिटेंशन अच्छी नहीं है, इंप्रेशन अच्छा नहीं आ रहा है, तो 75 हार्ड व्लॉग को रोक देते हैं। बट 75 हार्ड मैं कर रहा हूँ, उसे मैं शॉर्ट्स पर डालूंगा, रील्स पर डालूंगा। 75 हार्ड चल रहा है और चलता रहेगा, 75 हार्ड डेज तक हम कंप्लीट करेंगे पूरा। सो गाइस अपना जो ये टाइम बच रहा है 75 हार्ड व्लॉग ना बना के, जो टाइम बचेगा उसको मैं कहीं और पे लगा के कुछ कंटेंट क्रिएशन में टाइम दूंगा, ताकि अलग अलग कंटेंट बनाता रहूँ और आप लोगों को इम्प्रेस करता रहूँ। तो इसलिए मैं अब जो ये टाइम बचेगा मेरा व्लॉग का 75 हार्ड के, वो मैं दूसरी जगह पर लगाऊँगा व्लॉग में, और थोड़ा इम्प्रेसिव, थोड़ा मस्ती, थोड़ा मीनिंगफुल, थोड़ा मोटिवेशन, थोड़ा हार्डवर्क वाला व्लॉग डालूंगा, और थोड़ी मस्ती मजाक सब रहेंगे उसमें, एंटरटेनमेंट, ठीक है। फिटनेस व्लॉग डालूंगा, लाइफस्टाइल व्लॉग्स डालूंगा, ठीक है, फिटनेस वीडियोस डालूंगा, मोटिवेशनल वीडियोस डालूंगा, लाइफस्टाइल व्लॉग्स डालूंगा जो कि आपको अच्छे लगेंगे, ठीक है गाइस। तो ये रीज़न है अपना, और आई होप कि आपको मेरा रीज़न भी अच्छा लगा, आपको समझ भी आई होगी मेरी बात, अच्छी लगी बात, समझ आई बात, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना हाँ भाई भाई तुमने सही बोली बात, ठीक है। बाकी यही था अपना रीज़न, ओके। बाकी एलविश भाई को वोट करा या नहीं करा, सिस्टम है गाइस। सो गाइस अपना तो सिंपल है, किसी को सपोर्ट करो तो दिल से सपोर्ट करो, वरना मत करो, ठीक है। अगर दिल से सपोर्ट नहीं करना है किसी को तो बिल्कुल मत करो, पर कर रहे हो तो एकदम दिल से करो, जान लगा के करो। मैंने पिछले 4-5 दिनों से पूरा दम लगा रखा है भाई, जो 200 मिलते हैं उनसे वोट मरवाता हूँ, खुद 5-6-7-8 फ़ोनों से ब्लॉग वोट मार रहा हूँ, ठीक है। मैंने वीडियो भी बनाई, लोगों का रिव्यू भी लिया, ठीक है, वोटिंग करी, रील्स अपलोड करी वोटिंग के लिए। तो भाई अपना दिल से सपोर्ट रहता है जहाँ भी रहता है, चाहे वो अपने साथ वाले के लिए हो, चाहे किसी दूसरे के लिए हो, ठीक है। तो सपोर्ट करो किसी को भी तो दिल से करो, मतलब से मत करो, मतलब से करोगे तो सपोर्ट नहीं होता है, वो एक तरीके से छल कपट होता है और मीन सपोर्ट होता है जिसमें तुम अपना फ़ायदा ढूंढो। तो ऐसा मत करा करो, सपोर्ट करो तो दिल से करो और पूरी जान लगा दो किसी को सपोर्ट करो। तो वही मैंने भी किया, बाकी अब भगवान की दुआ कि अलविश भाई जीत जाए बिग बॉस, हमने तो पूरा सपोर्ट किया है, जिन लोगों ने भी किया है उन्होंने दिल से किया है, तो अपना हमने फर्ज निभाया, अब सब भगवान के हाथ में, ठीक है। होप फॉर द बेस्ट। लो भाई आखिरी सांस तक वोटिंग कर दी, अब आगे भगवान की मर्जी। हमने तो गलती भाई अपनी तरफ से पूरी कोशिश जितनी कर सकते थे, करेक्ट 11:59 पे वोटिंग रुक चुकी है, अब देखते हैं बाकी। भाई लिटरली अभी क्या बज रहा है, अभी तुम्हारे बज रहे हैं 11:41 हो रहे हैं अभी, और लिटरली जियो सिनेमा ऐप क्रैश हो चुका है एक तरीके से, क्योंकि मैं ये एंड्रॉयड से जो तो मैं ऑटो क्लिकर से वोट हो रहे हैं तो हो रहे हैं, पर मैं अपने आईफोन से कर रहा हूँ वोट, तो ये वोट हो ही नहीं पा रहा है। लिटरली इतने वोट्स पड़ रहे हैं, इतने वोट्स पड़ रहे हैं कि ऐप वर्क कर ही नहीं पा रहा है। सो गाइस ये तो नेक्स्ट लेवल हो रहा है, मज़ा आ रहा है, वोटिंग इतनी हैवी चल रही है,
बट वही है, ऐप क्रैश नहीं होना चाहिए क्योंकि भाई वोटिंग भी करनी है, 10 से 12 मिनट बचे अभी बस। पिछले 4 दिन से धकाधक वोट मारे जा रहा हूँ आज आखिरी दिन है बस, 8 मिनट बच चुके हैं, 8 मिनट बचे हैं क्योंकि भाई अभी कंप्लीट हो चुका है वोटिंग, 12 बजे के बाद का टाइम चालू हो चुका है, वोटिंग बंद हो चुकी है। और एक अच्छी खबर दूँ तुम्हें तो, अभी इनसाइडर से ये बात निकल के आ रही है कि वोटिंग ट्रेंड्स में टॉप पे है अल्पेश यादव, जो कि हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है, सुन के बहुत ही अच्छा लग रहा है। बस एक चीज़ ना हो जो हमेशा से होती आई है, बहुत बार होती आई है, बहुत बार नहीं भी हुई है, मेकर्स कॉल, ये जो मेकर्स कॉल ले लेते हैं बिग बॉस वाले बायस सीन वाला, वो ना हो जाए, नहीं तो जीतने को तो फिर पूजा भट्ट भी जीत जाएगी अगर मेकर्स ने अपने कॉल पे चलाया गेम तो। बट अपना एल्विश भाई वोटिंग में जीत चुका है, जितना सुनने में आ रहा है, जितना देखने में आ रहा है, क्योंकि मैं कोई इनसाइडर हूँ नहीं या मैं कुछ वो हूँ नहीं, बट मैंने यूट्यूब पे जितनी वीडियोस देखी या जो सबसे ज़्यादा प्रूवन वो डालते हैं रिजल्ट्स, जो इस बात के लिए जिनकी फेस वैल्यू है इस चीज़ में कि हाँ इनके रिजल्ट जो होते हैं, इनकी जो बातें होती हैं, इनकी जो खबरें होती हैं वो सच्चाई होती है, तो उन बंदों की जो आ रही हैं खबरें, उन बंदों के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि अल्पेश यादव बोर्ड पे 1st नंबर पे है, 2nd नंबर पे फुकरा इंसान, 3rd पे मनीषा, 4th पे पूजा भट्ट और 5th पे बेबी का। सो गाइस जीत चुके हैं, गाइस जीत चुके हैं, अल्पेश यादव जीत चुका है अपना भाई, ठीक है हम जीत चुके हैं, बाकी यूट्यूब कम्युनिटी भी जीत चुकी है गाइस। बाकी इस इन्फॉर्मेशन और इस मैसेज को एकदम सटीक तो नहीं कह सकते, बट हाँ ज़्यादा से ज़्यादा जो इनसाइडर्स जो ये डालते हैं उनका यही है कि 1st पे अल्पेश यादव भाई है, तो हम भी यही होप करेंगे, हम भी यही चाहेंगे कि ये सच्चाई हो और अल्पेश भाई जीत का है। दैट्स ऑल फॉर दिस ब्लॉग गाइस, दिस ब्लॉग इज ओनली बेस्ड ऑन द इम्पॉर्टेंट मैसेज, जो इम्पॉर्टेंट मैसेज देना था मुझे आपको उसके ऊपर ही था ये ब्लॉग, ऐसा कुछ था नहीं कि ब्लॉग में मुझे कुछ दिखाना था, बस ये इंपॉर्टेंट मैसेज आपके साथ शेयर करना था, क्योंकि मुझे कल से मैसेज आ गए थे 2 कि भाई आपने आज ब्लॉग क्यों नहीं डाला 75 आर्ट का, तो रीज़न मैंने बता दिया आपको, ठीक है। बाकी शॉर्ट्स में और रील्स में 75 आर्ट ब्लॉग्स चलते रहेंगे कंसिस्टेंसी के साथ गाइस। बाकी आप लोग प्यार दिखाना अपने भाई को इंस्टाग्राम पे आके, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, ठीक है। बाकी अभी चलते हैं और वर्क करते हैं न्यू कंटेंट्स पे और ब्लॉग्स पे, जो कि आपको जल्दी देखने को मिलेंगे गाइस, ठीक है। और यूट्यूब पे भी धमाल मचा देंगे बहुत जल्दी, अभी इंस्टा पे तो सही चल रहा है सब कुछ, बस यूट्यूब पे भी धमाल मचाना है और आप लोगों का प्यार कमाना है। चलो मिलते हैं गाइस, टिल देन गाइस कीप वर्कआउट एंड स्टे हेल्दी, जय श्री राम।